क्या हाल है मेरे दोस्त। तो रिलेशनशिप में एक सिचुएशन वो आती है कि इंसान टूट जाता है, जिसको इतना प्यार करा, जिसके लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस करे, जिसके लिए सब कुछ करा, पूरी दुनिया से लड़े, वो इंसान जब आपके प्यार की वैल्यू ना करे, आपकी वैल्यू ना करे, आपके इमोशंस को ना समझे, आपकी फीलिंग्स को ना समझे, ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करे। इतना प्यार करा, इतने सेक्रीफाइसेस करे, दिल से प्यार करा, लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप चलाया, फिर भी वो इंसान आपको नहीं समझता, आपकी उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, आप रहो या ना रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करें। बहुत दिल टूटता है, कितना प्यार करने के बाद भी सामने वाला हमको समझता ही नहीं है, हमारे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट तो क्या करेगा। तो मेरे दोस्त, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब आप एक रिलेशनशिप में चला रहे हो तो आपका जो पार्टनर है आपकी वैल्यू क्यों नहीं करता, क्या रीजन है कि इतना प्यार करने के बाद, इतने सेक्रीफाइसेस करने के बाद और इतने लॉयल्टी के इस रिलेशनशिप को चलाने के बाद वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, या तो आपने अपनी वैल्यू खत्म कर दी है उसकी लाइफ से, आपने अपनी वैल्यू को जीरो कर लिया है उसकी लाइफ से, पहला रीजन तो ये हो सकता है। और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई अलग पर्सन आ चुका है जिसकी वजह से वो आपकी वैल्यू करेगा ही नहीं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रीजन पे कि आपने अपनी वैल्यू को जीरो कर लिया है। मेरे दोस्त, जब आप एक इंसान को प्यार करते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो कि क्या रिलेशनशिप को चलाने के लिए जरूरी है, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या सेल्फ एस्टीम है, आप सब कुछ भूल जाते हो। आप उस इंसान के लिए सब कुछ करते हो, दिल से प्यार करते हो, लेकिन आप ये चीज भूल जाते हो कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। समझ रहे हो, आप अलग अलग चीजें ट्राई करते हो कि ये इंसान को मैं खुश रखूं, इस इंसान के लिए मैं सब कुछ करूं, और इन सब चीजों को करने के चक्कर में आप ये चीज भूल जाते हो कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका भी सेल्फ एस्टीम है, आपकी भी अपनी एक वैल्यू है। मेरे दोस्त, अगर आप एक इंसान को प्यार करते हो तो प्यार के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना वर्थ इट नहीं है। समझ रहे हो, अगर आपने अपनी वैल्यू को जीरो कर दिया, उसकी लाइफ से अपनी वैल्यू को खत्म कर दिया, तो वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को जीरो कर दिया है। वैल्यू वो बाद में कम कर रहा है, वैल्यू आपने अपनी कम कर दी है। आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। समझ रहे हो, जितना ज्यादा आप उसके साथ अटैच रहोगे, जितना ज्यादा आप उसको वैल्यूबल दिखाओगे कि बस वो है, तू ही है, तेरे अलावा कुछ नहीं है, तो मेरे दोस्त वो तो वैल्यूबल बनता जाएगा। समझ रहे हो, आपको क्या करना है, खुद की वैल्यू रेस करनी है, खुद का स्टैंडर्ड रेस करना है, उसको ये चीज दिखानी है कि मेरी भी एक वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि तू, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो, अगर आप अपनी वैल्यू ही नहीं करोगे, आप अपना स्टैंडर्ड ही नहीं रेस करोगे, उसकी लाइफ में अपने आप को एक ऑप्शन बना के रख दोगे, तो वो आपकी वैल्यू करेगा क्यों? वो क्या, इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी वैल्यू तब करेगा ही नहीं जब आपने अपनी वैल्यू बनाई ही नहीं। समझ रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में उस इंसान के अलावा आपको कोई पसंद नहीं करता होगा या कोई आपसे बात नहीं करना चाहता होगा। समझ रहे हो ना, आपकी वैल्यू आपके हाथ में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के लिए अपनी वैल्यू को गिराते चले जा रहे हो, गिराते चले जा रहे हो, और एक टाइम वो आएगा कि आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो इंसान आपको समझना बंद कर देगा। समझ रहे हो ना। दूसरा कंडीशन, अगर उस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है तो मेरे दोस्त वो आपकी वैल्यू कभी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करेगा ही नहीं, आपके साथ उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आपकी वो वैल्यू क्यों करेगा? वो किसी और के साथ खुश है, किसी और के साथ बात कर रहा है, आप उसके आगे सिर मारो, आप उससे बातें करो, आप उसको मनाओ, रो, गिड़गिड़ाओ, आपकी वैल्यू करेगा नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि आपने उसकी कोशिश नहीं करी होगी, आपने बहुत कोशिश करी होगी, तू मुझे इग्नोर क्यों करता है, तू मेरे से बात क्यों नहीं करता, ये वो आपने बहुत कोशिशें करी होगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वैल्यू आपसे ज्यादा उसकी है। समझ रहे हो ना, आपकी वैल्यू अगर 50 है उसकी लाइफ में तो उसकी वैल्यू 120 है, तो वो आपको वैल्यू क्यों देगा, आपको टाइम क्यों देगा, आपसे बात क्यों करेगा, जब ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वैल्यू आपसे ज्यादा है। समझ रहे हो ना। तो मेरे दोस्त, अगर सेकंड कंडीशन है वहां पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लाइफ में थर्ड पर्सन आ चुका है।
और वो थर्ड पर्सन आपको धीरे 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 काट रहा है। एक सिचुएशन आएगी कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा क्योंकि उसके लाइफ में थर्ड पर्सन है और वो थर्ड पर्सन के साथ खुश है, एक दूसरे को वो टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे से वो बात कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू बनना बनता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। बस फर्स्ट कंडीशन में ये है कि अगर आपने अपनी वैल्यू कम कर दी है तो आपको अपनी वैल्यू बनाने का टाइम आ चुका है, अपने स्टैंडर्ड को रेज करने का टाइम आ चुका है। अपने आप को समझो, अपनी वैल्यू रेज करो, अपने स्टैंडर्ड को रेज करो। अपने आप को ये मत जाहिर करो कि आप कुछ भी नहीं हो, मेरे दोस्त आप बहुत कुछ हो, समझ रहे हो ना। लेकिन आप ये चीज भूल जाते हो कि आपकी कोई वैल्यू है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। रिलेशनशिप एक इलास्टिक बैंड की तरह है, इधर और इधर से पकड़ते हैं, एक तरफ से भी छूटेगा ढीला तो दूसरे वाले को चोट लगेगी, तो आप उसको इतना कस के पकड़ रहे हो लेकिन सामने वाला ढीला रख रहा है, समझ रहे हो ना, तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। दोनों को कस के पकड़ के रखना पड़ेगा तो ही रिलेशनशिप चलेगा। आप इतनी वैल्यू मत करो सामने वाले की जिसकी उसकी औकात ही नहीं है। 100 रुपए की वैल्यू 100 ही रहेगी, वो 1000 नहीं बनेगी।